Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all again to your very own channel, The Prime Skills. So, we are running a series of advanced communication or advanced spoken English through dialogues, and this is the day number four. And in this day number four, we are again going to learn through the dialogue that what are certain phrases and certain words which we can use in your communication to sound like a very advanced communicator. Okay, so let's go ahead and dive into the concept today and try to learn and use those words and phrases into your communication. Let's go ahead. So our today's communication or today's today's dialogue is between Pooja and Nero, and we are going to learn through their communication, through their dialogue, what are certain phrases which you can use in your communication. So let's go ahead and start talking about them. So Puja. द न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है की जब कोई चीज बहुत ही पास होती है राइट सो वेन वी से न्यू ईयर आने वाला है तो वी कैन सिंपली से द न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर इट्स टाइम टू शॉप अराउंड टाइम टू शॉप अराउंड का मतलब होता है कि जब आप एक दुकान से दूसरी दुकान दूसरी दुकान से तीसरी दुकान दुकान पे जाते हैं बार्गे करने के लिए इन ऑर्डर टू वन प्रोडक्ट यू कीप ऑन शिफ्टिंग टू टू वन वन फ्रॉम शॉप शॉप अनदर दैट इज कॉल्ड शॉपिंग अराउंड राइट यू डोंट बाय फ्रॉम एवरी सिंगल शॉप शॉपिंग अराउंड मीन यू गो टू डिफरेंट डिफरेंट शॉप इन ऑर्डर टू बार्गेन टू गेट द बेस्ट डील राइट दैट इज कॉल्ड द शॉप अराउंड इट्स टाइम टू शॉप अराउंड फॉर बार्गेन्स राइट right? जब भी आप बार्गेनिंग करने के लिए शॉप एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाते हैं तो आप बोलते हैं शॉप अराउंड ठीक है अराउंड द कॉर्नर का मतलब जब कोई चीज बहुत पास होती है या कोई भी इवेंट कोई बहुत पास होती है तो हम बोलते हैं दैट स्पेसिफिक इवेंट इज अराउंड द कॉर्नर दीपावली इज अराउंड द कॉर्नर क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर और माई फ्रेंड्स मैरिज इज अराउंड द कॉर्नर ओके एंड शॉप अराउंड मीन शॉपिंग फॉर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट और गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट शॉप इन ऑर्डर टू बार्गेन राइट यू आर राइट मतलब जब कोई सही होता है हम बोलते हैं एवरीथिंग इज स्काई स्काई हाई हाई का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत महंगी होती है राइट एवरीथिंग इज स्काई हाई नाउ एंड आई एम फेड अप फेड अप का मतलब जब आप कोई काम करते करते थक जाते हैं बोर हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं तब आप बोलते हैं आई एम फेड अप जैसे बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद हिम मैं उससे थक चुका हूं मैं उससे परेशान हो चुका हूं राइट आई एम फेड अप विद विद हिम हिज अप्यूजेज मैं उसके जो एक्सक्यूजेज हैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं आई एम फेड अप विद कटिंग कॉर्नर्स कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में कटौती करते हैं या फिर जैसे ऐसा मान लीजिए कि आपको आप बेसिकली अपनी आजीविका चलाने के लिए चीज़ों में समझौता करते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं और आप वो चीज़ें नहीं खरीदते जिनके जो आप खरीद सकते हैं ठीक है तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कटिंग कॉर्नर्स का मतलब जब आप चीजों में कटौती करते हैं आ, क्योंकि आपके पास उतने पैसा नहीं है या फिर क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है आई एम फेड अप विद कटिंग कॉर्नर जस्ट टू मेक एंड स्मीट मेक एंड स्मीथ का मतलब अपनी रोटी कपड़ा चलाना जैसे हम ये बोलते हैं अगर किसी से आपने पूछा कि और कैसा चल रहा है तो और उसने आंसर दिया कि आई एम जस्ट मेकिंग अप मेकिंग एंड स्मीथ का मतलब केवल रोटी केवल रोजी रोटी चल रही है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है बट ठीक है काम चल रहा है ठीक है तो मेकिंग एंड मीट का मतलब होता है कि बस किसी तरीके से काम चल रहा है राइट right? तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कॉर्नर्स यानी मैं कटौती कर करके थक चुकी हूँ और जस्ट टू मेक एंड स्मीथ केवल अपना काम चलाने के लिए मतलब काम चलाने के लिए हर चीज में कटौती करनी पड़ती है और इस चीज से जो लाइक uh, like नीरू है शी इज टेंस टू शी इज वर डोंट यू कट डाउन ऑन स्मोकिंग दैन

का मतलब होता है जो चीज आपको थोड़ी सी शांति देती है आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कराती है तो वो चीज आपको सोलेस देती है राइट यू से आई एम मेकिंग तो मैं ऐसा कह सकती हो कि मैं बहाने बना रही हूँ बट ये स्मोकिंग है वो मुझे बहुत ही आराम देती है बहुत रिलैक्स फील कराती है नीयू गेट आउट ऑफ यूर ओके गेट आउट ऑफ फेयर का मतलब यहाँ पे ये यह नहीं है कि आप यहां से बाहर निकल जाओ ये एक्सप्रेशन तब भी यूज किया जाता है जब आपको किसी बात पे विश्वास नहीं होता राइट right? जब आपको किसी बात पे विश्वास नहीं हो सकता होता तो आप क्या बोलते हैं ओ कम ऑन यू राइट तो उसी तरीके से आप बोल सकते हैं ओ आउट ऑफ राइट तो बोलने का तरीका होता है उस बोलने के तरीके से अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि मुझे विश्वास नहीं होता सच में आर यू स्पीकिंग आर लाइक आर यू टेलिंग रियली टेलिंग ट्रूथ इज इट रियल रियल ठीक है इनमें से कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो इसका एक रिप्लेसमेंट हो सकता है बट गेट आउट ऑफ फेयर का मतलब यहाँ पे है कि uh, मुझे विश्वास नहीं होता राइट right? इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई डोंट बिलीव इट राइट तो ये सारे एक्सप्रेशन आप अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं सो वट आर द एक्सप्रेशन विच वी लर्न टूडे नंबर वन इज अराउंड कॉर्नर जब कोई चीज बहुत पास होती है जब कोई इवेंट बहुत नियर होती है यू कैन यूज अराउंड द कॉर्नर शॉपराउंड शॉपराउंड का मतलब होता है कि जब आप दो एक दुकान से दूसरी दुकान पे किसी एक चीज की बार्गनिंग करने के लिए जाते हैं sky high, जब प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है किसी चीज का दैट इज कॉल्ड स्काई हाई देन कम्स यू फैटअप फैडअप का मतलब जब आप किसी चीज को कर करके थक जाते हैं बोर हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम फैडअप टू कट कॉर्नर्स किसी चीज में कटौती करना कॉम्प्रोमाइज करना जिससे कि आप अपनी चीजों को मैनेज कर पाए Uh, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो वो कहलाता है आपका कटिंग कॉर्नर्स टू मेक एंड स्मीट मेक एंड स्मीट का मतलब होता है अपना रोजी रोटी चलाना यानी केवल काम चलाना केवल खाना पीने का काम चलना केवल रोटी कपड़ा और मकान का खर्चा चलना वो कहलाता है आपका मेक एंड स्मीट यानी बहुत ही लग्जूरियस लाइफ नहीं होती जो बहुत ही आ, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है उसको हम बोल सकते हैं कि ही इज मेकिंग एंड स्मीट कट डाउन ऑन समथिंग जब आप किसी चीज को कम करते हैं किसी चीज को रिड्यूस करते हैं तो आप बोलते हैं कट डाउन ऑन समथिंग टू मेक एक्सक्यूज किसी चीज को ये बहाने बनाना अब आप आपका मेकिंग एक्सक्यूज कहलाता है एंड गेट आउट ऑफ हियर जब आप इसके सामने इंट्रोजेक्शन साइन भी लगाते हैं तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आई डोंट बिलीव इट और मुझे विश्वास नहीं होता या फिर और भी अलग अलग रिप्लेसमेंट इसके हो सकते हैं ठीक है सो आई होप कि आपने इन फ्रेजेस को बहुत ध्यान से समझा होगा एंड दीज फ्रेजेस आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन मेकिंग यू एन एडवांस्ड कम्युनिकेटर इफ यू कीप ऑन यूजिंग दम इन योर कम्युनिकेशन एवरी सिंगल डे Okay. So thank you so much for watching the video up to this length. I believe that these uh, phrases are definitely, this video is definitely going to help you out. In case you want me to create some videos on different topics, you can definitely ask me out on uh, YouTube channel. I mean, through the comment box or maybe the Telegram channel or WhatsApp channel. Okay. Thank you so much for staying connected. Stay connected for other videos and for other courses also. And then, uh, because we are on a journey to learn spoken English in a proper way, and definitely we are going to help out each other. Okay. See you in the next video. Until that time, keep learning.